जगह अभी हम जा रहे हैं उससे पहले ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हम दो दिन के लिए जा रहे हैं और इतना थोड़ा सा सामान लेके जा रहे हैं हम। थोड़ा सा नहीं है, ये पूरे तुमने गाड़ी भर दी खाने खाने के सामान से। ऐसे लग रहा है पूरा घर उठा के लेके जा रहे हैं, अभी तो और भी सामान आना है। तो इस बार हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं साथ में, वो भी हमारी तरह खाओ पियो हैं। अभी उनकी गाड़ी आ रही है, उनकी गाड़ी में पता नहीं कितना सामान होगा और इस गाड़ी में आएगा भी नहीं आएगा, उनका वेट करते हैं फिर देखते हैं। दो गाड़ियां लेके जानी पड़े लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है वहाँ पे खाना लंगर लगाने जा रहे हैं वहाँ। देखो गौर से, ये है वो लोग जो 11 बजे का तल्ला देंगे। कितने बजे आ रहे हैं? 1:30 बजे। क्या होगा ये वापस सामान जा रहा है भंडारे के लिए जा रहे हैं, भंडारे के लिए जगह नहीं बची हमारे पास। सो ऐसा है, दो गाड़ियों में इतना सारा सामान भर लिया खाने का हमने कि एक गाड़ी में आ ही नहीं रहा, और साथ जाना था हमने इस गाड़ी में, बट हमें दो गाड़ियां करके जानी पड़ रही है बिकॉज आधा खाने का सामान उसमें और आधा इसमें। अगर खाना ये बचा, मतलब ये दो लड़कियां इतना खाना लेके जा रही है, खाएगा कौन ये? अगर खाना बचा फिर देखना वहाँ पे, मतलब अलग अलग जाना पड़ रहा है सीरियसली। और इतना खाना, इतना खाना गाड़ी में होने के बावजूद ड्राइव थ्रू में हम अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। That's so bad. ये प्लानिंग है। एक्चुअली घर पे जाएंगे, सब खाना वाना खाएंगे, यूटेंसिल्स गंदे होंगे, फिर उन्हें क्लीन करो, फिर सारा डस्टबिन में फेंको सामान, फिर इतना टाइम वेस्ट होगा, इस जब बाहर ही खा लेते हैं। हम देखेंगे 3 दिन के बाद अगर खाना बचा तो मैं क्या ही कर लूंगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ ना। नहीं बचेगा, सारे पेटू है हम, नहीं बचेगा। चलो चलते हैं। 2 McEgg बर्गर्स एंड 2 medium रेगुलर कॉफी। 59 सुन के मेरी हवा निकल गई। मैं 59 ऐसा क्यों ऑर्डर कर दिया मैंने? सो उसने सुना कि मैं 6 pieces वाले चिकन नगेट्स 10 pack ले रहा हूँ, पता नहीं 8 pack पता नहीं कितने। भाई थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लो, गाड़ी में मैक्स टू मैक्स 4 बंदे होंगे, 10 डब्बे में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लंगर लगाना मैंने चिकन का। तो जैसा कि आपको बताया कि बीच हाउस बुक किया था, मतलब हमें आइडिया नहीं था, पिक्चर्स वगैरह देखी थी, बट यार मैप पे देख के एग्जैक्टली पता चल रहा है, जस्ट लुक एट इट, दिख रहा है कितना, मतलब बीच के ऊपर ही है। थोड़ा सा पानी ज्यादा होगा ना अंदर, मेरे को लगता है फ्लडिंग हो जाएगी अंदर, बीच हाउस में हमारे पानी आ जाएगा, इतना ज्यादा भी पास में नहीं चाहिए, बट अमेजिंग आएगा यार, मजा आ जाएगा, वेरी एक्साइटेड। और दोस्त पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, वो उनसे आ गई है, रेस लगा रहे थे यहाँ पे भी, पहले ही पहुंच गए होंगे वो थोड़ा, बट बुकिंग हमारे नाम पे, अंदर नहीं जा सकते। देखते हैं चलो। मुझे गाड़ी नहीं दिख रही उनकी, कहाँ चले गए, पीछे तो नहीं रह गए वो? हाँ जी देख लो, दोस्त पहले घुसे अंदर, जूते वूते डाल के, मस्त कोई है भाई, देखो मतलब बेशर्मी की हद, बेशर्मी। बीच हाउस आपको दिखाते हैं अभी, बट नीचे जाने का एक ही रास्ता था बीच पे, अरे वो मानव ने तोड़ दिया, ओ भाई तोड़ दिया मानव ने, मतलब हम कह रहे पहले सामान निकाल के आते, नहीं अभी जाने के देखो। तो ये ऐसे फ्लिप होते हैं नीचे स्टेयर्स, और बीच पे जाने का रास्ता था, मानव फिसला। नहीं उनकी गलती नहीं है, वो एकदम से पैर स्लिप हो गए, मतलब पैर स्लिप हो गया, स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहे थे, और इनको अभी सामान भी नहीं निकाला गाड़ी से, अभी जाना है बीच पे। पर हमारे पास इसका देसी जुगाड़ है, वो देखो साइड में, हम वहां से चढ़ के आएंगे। बीएनवी वाली आंटी ने ना डबल चार्ज कर लेना तुमने हमारा, कुछ भी स्टेप तो अमेजिंग, लाइक अब जो नेक्स्ट शॉट देखोगे वो बीच हाउस के देखो, अमेजिंग व्यू है। तो आपको एक क्विक बीच हाउस टूर देते हैं, बहुत अमेजिंग है, यू विल लव इट। आई विश हम ये ऐसा कुछ कभी जिंदगी में खरीद पाए आगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अपना एक्सटेंड करो, लैपटॉप ले, यहीं पे काम करेंगे, ये हमारे दोस्त हमारी हेल्प कर रहे हैं बारबेक्यू सेट करने में। शर्म आनी चाहिए। Okay, so welcome to the beach house. ये house tour है. Welcome to the beach house. So ये है bunk beds लगे हुए, यहाँ पे एक छोटा सा room है. हाँ, laundry वगैरह अगर आप ज़्यादा time spend कर रहे हो तो. I think बहुत अच्छे Airbnbs होते हैं यहाँ पे, सब कुछ provided होता है, उसके बाद भी हम ये देखो इतना सामान लेके आए ना यहाँ पे. ये kitchen area है, बहुत contemporary type का घर है, and it's beautiful really. Like look at that, सब कुछ दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे. ये चाय वाय और मैगी तो हमारी होती है, सामान पड़ा हुआ है इधर. हमारे बस कर है ये वॉशरूम, और ये मानव वॉशरूम में जाते हुए वॉशरूम पर टूट देते हैं यहाँ पे, ये है मानव और दीक्षा का रूम, हम गरीब तो वहां सो रहे हैं। ये है मानव और दीक्षा का बेडरूम, देखो
देखो कितना अमेजिंग है। न, हम इस बार हमारा थोड़ा अनलक हो गया क्योंकि एक ट्रिप में हम मानव दीक्षा को सिलेक्ट करने देते हैं रूम और एक ट्रिप में हम करते हैं, तो ऑटवा में हमने इनको घटिया रूम दिया था इस बार इन्होंने हमें घटिया रूम दे दिया। कुछ नहीं है, जो पहले पहुंचता है ना वो, इसलिए रेस लगती है हमारी कि जो पहले आएगा वो बढ़िया रूम लेगा। बट ये वाला इसलिए बहुत बढ़िया रूम है और एक क्लोजेट भी इधर, बिकॉज यहाँ से बीच व्यू आता है। और दिखाते हैं आपको व्यू, और ये रास्ता जाता है प्राइवेट बीच पे जो हम आपको भी दिखाते हैं। ये वाली एंट्री है लिविंग रूम की, यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, एक यहाँ पे सिटिंग एरिया है, अगर बारिश हो रही होगी आज वैसे किस्मत खराब है तो अम्ब्रेला खोल के बैठ सकते हैं। बट दिस इज द यूएसपी, आई लव इट, प्राइवेट बीच है ये, प्राइवेट बीच है। इस घर के लिए मैं अपना घर छोड़ सकती हूँ, इतना अच्छा है ये घर। और यार क्या मस्त व्यू है, यहाँ से प्राइवेट बीच है, अपना एंजॉय करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी और का इंटरफेरेंस नहीं, ध्यान से। हाँ, एक बार अभी मानव गिर चुका है, हो चुका है एक एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, सीढ़ियाँ टूट चुकी है, पता नहीं हम नीचे जाएंगे कैसे। और यहाँ पे हम रात को फायर प्लेस लगा सकते हैं, रात को यहाँ पे ही लगाएंगे, हम आग जला देंगे यहाँ पे आग। ये दिस इज व्यू, ऑसम। ये सारे प्राइवेट बीचेस हैं यहाँ पे भी, जिसका घर है साथ वाले का उसका प्राइवेट बीच है ये, ये हमारा है एरिया, रात को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और आगे भी प्राइवेट बीचेस हैं। ये सीढ़ी है जो टूट गई है यहाँ से, अब पता नहीं हम कैसे जाएंगे, रास्ता ही बर्न, द ब्रिजेस बर्न कर दिए भाई, अमेजिंग, लव इट। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हरमीत जिन्होंने सिलेक्ट किया था, शॉर्टलिस्ट किया था, लव इट। और कॉस्ट बता देते हैं आपको, टू नाइट्स $850 एंड सारनिया में है ये बीच हाउस, मिलता नहीं है, हमारे कोई जान पहचान के थे उनसे हमने बात बात करके बड़ी मुश्किल से मिला, जुगाड़ लगाया थोड़ा बट मिलता नहीं है। हाँ। आप इंस्टाग्राम पे पिंग कर लेना, अगर ट्राई करेंगे कि बुक हो जाएगा तो आपके लिए बुक करा देंगे, अदरवाइज बहुत हमें बहुत डिफिकल्टी से मिला है, पूरे समर हमने ट्राई करा नहीं मिला है। एंड यही एक टिप है कि जब भी कहीं घूमने जाना हो तो बहुत पहले से प्लान करना पड़ता है, हमने आई थिंक 2 months पहले बुक कराया था क्योंकि समर्स में नहीं मिलती ऐसी अमेजिंग लोकेशंस, तो पहले से प्री बुकिंग कराओ, दैट्स लाइक अ प्रो टिप। अब मानव दीक्षा ने रेडी कर लिया बारबेक्यू, गालियां दे रहे होंगे भाई, हेल्प कराते हैं थोड़ी और खाते हैं, भूख भी लग रही है थोड़ी, चलो वापस चल के काम कराते हैं। लेकिन एंट्री भी इतनी मस्त है यहाँ से, और ये सीधा एंट्री जा रही है लिविंग रूम में, ये दूसरी एंट्री फ्रॉम लिविंग एरिया, आराम से बैठो यहाँ पे, चिल मारो, हुक्का हुक्का मारो, लाला जी हमारे बैठे हुए हमारे लिए रेडी कर रहे हैं बारबेक्यू, ये करने हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, बातें बना, बोलना नहीं चाहती वो, बकैती करना सिखाएंगे, नहीं आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है तो आधी टीम वहाँ पे बाहर फ्रंट पे है और आधी टीम यहाँ पे वेजेस काट रहे हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो, तो हम थोड़ा सा जल्दी से काम करते हैं क्योंकि सबको भूख लग रही है। ऑर्डर आया बाहर से, वेजेस काट के लाओ। यार देखो दुकान, मतलब देख के लग रहा है कि पूरा घर बसाने आए हैं हम यहाँ पे, ये देखो फ्रिज दिखाती हूँ, रुक जाओ, ये देखो इतना सामान, ये सब हमने रखा है लाके अभी, एक्सपर्ट बारबेक्यू। ये थोड़ा जुगाड़ हो रहा है हमारा क्योंकि नीचे बहुत गंदा था ग्रिल, तो हमने फॉइल लगा के थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, सारे अमेचर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कुछ हाँ फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं यूट्यूब देख के, लेकिन सेकंड टाइम में एक्सपर्ट हो जाएंगे हम, और मस्त लग रहा है बस। हमारे लिए आगे फ्यूचर ये मुंह बना रहा है, वो मैं बातें बना रही हूं, और मैं काम कर रही हूं बेचारी गरीब, चल चल, तेरे लगा हुआ तुमने, एक प्याज काटा अभी बस। तुमने झुकीनी का कैसे खाते हैं, झुकीनी में खाती नहीं, नहीं खानी, और झुकीनी नहीं होता, झुकीनी होता, मैंने झुकीनी बोला था, आई सेड झुकीनी, आपकी झुकीनी कट गई, झुकीनी झुकीनी कट गई, पता नहीं लोगों को क्यों पसंद आती है झुकीनी, नाम इतना गंदा, टेस्ट इतना गंदा, गाजर भी काटू अब मैं, दे दो दे दो। ये नुकसान है वेजिटेरियन होने का, अगर नॉन वेजिटेरियन होते आराम से, कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिश ले आते फिर। ये पहला लॉट रेडी हो चुका है और क्या जबरदस्त मैरिनेशन करी है मानव ने भाई, हाई फाइव, क्या जबरदस्त करी है। सो ये आपने अगर किसी भी अपने खाने पीने के लिए सजेशन लेना है या फिर मैरिनेशन पूछनी है तो मानव को आप क्या कर सकते हो, DM कर सकते हो। ये लाइए तू लेमन स्क्वीज़र, हाँ 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 हाँ, सब पड़ा क्या, नहीं लाए हम, अच्छा लग रहा है टेस्ट में, तो मस्त लग रहा है यार, हाँ रुक जाओ तेरे लिए गरीब का पनीर रेडी है, देखो पनीर, तुम सब्जी काटी जा रहे हो यहाँ पर, कब से सब्जियां काटो, 2 घंटे सब्जी काटो, मैं ध्यान पनीर ही है ना, हाँ हाँ भाई, लेमन स्क्वीज़र नहीं मिल रहा भाई मानव जी, रोना आ गया भाई मुझे टेस्ट देख के, क्या बात है, सॉफ्ट हो गए एकदम प्रॉपर, वेरी गुड जॉब, ये देखो हम
हम भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तुम वेजी काटी जा रहे हो, पता नहीं बारात बन रही है, बारात आनी है, वेजी काटी जा रहे हो। ये हो रही है मनप्रीत की वेजी स्प्रेडी, जो कि हम भी खाएंगे। आप तो खाते नहीं हो नॉन वेज। खुशबू, मतलब खुशबू ले रहे हो कुछ भी को, मतलब मजा आ गया। मुझे पता था कोई ना कोई डरेगा जरूर। मैं भी डर गया था यहाँ पे। माय गॉड, यार असली तो नहीं है? असली तो है, देखो हाथ लगाओ। अभी ये गिरती प्लेट नीचे, अभी इतनी गालियां पड़ती ना। अभी देखो बाकी के लोग आएंगे वो भी डरेंगे इससे। आगे रखो ना इसको, शिट मैन। क्या बात है, क्या बात है, इधर ही बैठ जाना। अरे बैठो ना, पीछे क्या तुम्हारे, देखो पीछे। मैं डर रही हूँ। सो खाना तैयार है, अब वेट नहीं हो रहा, बहुत मेहनत की है। ये हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, इतना टेस्टी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे दोस्तों ने इतना अच्छा खाना बनाया है, ये भक्त जनों की तरह ऐसे करते रहते हैं। तुम्हें मानव से मैरिनेशन सीखनी है चिकन की, और तुम्हें बाबी को करना सीखना है, और मेरे को दीदी से काम करना सीखना है। क्योंकि हम बॉनफायर कर रहे हैं तो हम लेके आएंगे अभी आपको मार्शमेलोस दिखाएंगे। यहाँ पे हो गया है सनसेट, ऑलमोस्ट हो गया है, बॉनफायर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं। काम करा रहे हैं दोनों बिचारी अबला नारियां, बार बार ऊपर जाके सामान लेके आ रही हैं। ये देखो पीछे से ऑर्डर दे रहे हैं खाली, किसी काम के नहीं, बस ये लोड़ी बना दी है। मैं आ रहा हूँ बस सनसेट एंजॉय कर। टू लेट, ट्राई कर रहे हैं, बॉनफायर करा तो नहीं है कभी, बट आइडिया तो है इतना। सो भैंस की आंख, दिस इज फायर स्टार्टर, और सनसेट ऑसम लग रहा है, हवा भी ज्यादा नहीं है थैंकफुली। एक यहाँ पे आग जलाते हुए इंजरी हो गई है कुछ, मत पूछो। ये तो सीढ़ी तोड़ी थी हमने, अब ये एक और दूसरा बंदा भी उतरने की कोशिश कर रहा है। हम ये ट्राई करेंगे कि कोई गिरे ना, क्योंकि बॉन फायर हो चुका है पूरा। अब वापस कैसे जाएंगे? सही में इस ट्रिप में दो बंदे इंजर हो चुके हैं, 1-2, और हम नहीं होंगे बहन। हम ऐसी यार कोई, हम कोई ऐसा ब्रेवरी वाला अपना दिखाएंगे नहीं कुछ। अब आप थोड़ी अपनी बैग सेक लें, थोड़ी आगे कर लें बॉन फायर में। बट फाइनली हमने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दो एक्सीडेंट हो चुके हैं दो घंटे में। ओह गॉड, आर यू इंप्रेस्ड विद द बॉनफायर? अभी आई एम शॉक, अभी मुझे नहीं पता, मेरे बैग में बहुत जोर से लगी है। तुम हंस तो ऐसे रहे जैसे कुछ भी नहीं लगा तुम्हारे। डे वन पे हम एक सीढ़ी तोड़ चुके हैं, एक सीढ़ी तोड़ चुके हैं, एक बेंच तोड़ चुके हैं, अपने कमरे तोड़ चुके हैं। स्मोर्स ट्राई कर रहे हैं, स्मोर्स अगर आपने खाए कैंपिंग वैम्पिंग में यूज करते हैं। मार्शमेलो लो पहले आप, इसका पिछवाड़ा जलाओ, थोड़ा आग लगाओ इसमें। तंदूरी चिकन बना दिया है, थोड़ा सा फिर इसको गर्म करके आप दो मिल्क चॉकलेट के अंदर लगाएंगे स्वाद अनुसार। बहुत ऐसे लग रहा है बटर चिकन बनाना सिखा रहा हूँ। ऐसे आप ये देखेंगे क्रीमी क्रीमी हो जाएगा, बिल्कुल मस्त, मलाई टिक्के की तरह, मलाई टिक्के की तरह। और ज़्यादा हाथ वाला लगाए जैसे मैं लगा रहा हूँ कोविड के टाइम पे। और फिर दोनों तरफ एक आप क्रैकर्स लगा देंगे इसके अंदर। सैंडविच बना रहे हो क्या? और ये हो गया आपका स्मोर, अगर आपने खाया आपको पता है कितना मस्त होता है। अब मनप्रीत खाएगी क्योंकि मनप्रीत के बैग में चोट लगी है, बच्चा गिर गया हमारा। क्या कहना चाहेंगे आप, इतनी मैंने एफर्ट मारे हैं आपको बना के दिया, बर्बाद। बर्बाद व्हाट डू यू मीन बाय बेकार? बहुत बेकार है, बहुत मीठा है एक दो। आई थिंक इट्स टू मच ऑफ मीठा। तो ये मैं एडिट में काट दूंगा और इसको चेंज कर दूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मीठा है बस, ठीक है, फालतू की टशनबाजी है। क्या है भाई, ट्राई करो कुछ नई चीज, कैंपिंग में लोग करते तो हमने भी ट्राई कर लिया।
ओके गाइस, मनप्रीत के कुछ ज्यादा ही पेन होने लग गई थी, तो हमने थोड़ा बहुत चिल करके सोने आ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। सॉरी अभी लाइट नहीं है, बिल्कुल लेट हो चुका है, सो रहे हैं। कल मिलते हैं सुबह, और मनप्रीत भाई बोल देगी, बोलो बाय। उसको पेन हो रहा है अभी, कल देखते हैं मॉर्निंग में। अगर हमें जाना पड़ेगा तो हमें जाना पड़ेगा मेडिकल शॉप पे, थोड़ा अपॉइंटमेंट वगैरह लेने। सी यू टुमारो।